हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो मैं आप लोग को मॉनसून पढ़ा रहा था, ठीक है। मॉनसून कंटिन्यू कर रहे थे तो मॉनसून के बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब जो टॉपिक बचे हुए हैं उनको कवर करते हैं। मतलब मैंने आपको पहले पश्चिमी विक्षोभ पढ़ा दिया, ठीक है, पूर्वी हवाएं पढ़ा दिया, ये हवाएं पढ़ा दिया, सारी हवाएं मैंने आप लोग को पढ़ा दी है। लास्ट टॉपिक जो हमारा मानसून का बचा हुआ है ये है कि मैंने आपको, देखो अगर आप ध्यान दिए होंगे, मैंने आपको यहाँ पे बारिश होती वो बताया, यहाँ बारिश होती वो बताया, यहाँ बारिश होती वो बताया, बट यहाँ पे बारिश कैसे होती है वो मैंने आपको बताया नहीं। यहाँ पे बारिश किस तरह होती है और कब होती है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्योंकि देखो हमारे इंडिया में कौन सी चीजें कहाँ होती है, ना कि इम्पोर्टेंट ऑफ एग्जाम, एग्जाम के थ्रू मत पढ़ो कि एग्जाम में पूछा गया नहीं पूछा गया। मतलब एक इंडियन होने के नाते आपको इंडिया के बारे में तो पता होना चाहिए। प्रिपरेशन तो मैं एग्जाम का करा रहा हूँ, बट एक इंडियन होने के नाते आपको बारिश कहाँ इंडिया में होती कहाँ नहीं, आप अपने इंटरेस्ट के लिए भी पढ़ सकते हो। ऐसे जरूरी नहीं कि आपको एंट्रेंस एग्जाम देना तभी आप पढ़ रहे हो। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो देखिए, कम से कम आपको इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी इंडिया के बारे में, ठीक है। तो अब हम टॉपिक पे आ जाते हैं। तो हमें स्टार्ट कर रहा था, मैंने आपको पश्चिमी विक्षोभ पढ़ाया, उत्तर पूर्वी हवाएं पढ़ा दी, ठीक है, पश्चिमी हवाएं पढ़ा दी। अब हम पूर्वी तट के बारे में पढ़ते हैं और साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे। इसके जस्ट अगला वाला वीडियो होगा कि भारत में कहाँ कहाँ पे बारिश नहीं होती है, भारत में किन किन जगहों जो सूखा पड़ जाता है, किन किन कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे सिंचाई होती नहीं, खेती होती नहीं है, और वहाँ के किसान बहुत ज्यादा मतलब सुसाइड करते हैं, उसका रीजन भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अगर ये इंडिया का मैप बनाने का मेरा एक ही मकसद होता है कि इंडिया आपके फ्रंट पे सामने हो, ठीक है, ताकि आप पूरी तरह से इंडिया को देखो और कौन सी चीजें कहाँ चल रही है आपको बैठ जाए दिमाग में, ठीक है। चलिए, तो क्या दिया हुआ है, रिट्रीट ऑफ द मानसून, एंड मैंने आपको बताया था मॉनसून का चैप्टर खत्म हो गया था, पूरा मैंने समझा दिया था। अब हम उसको लौटाएंगे, कोई चीज जब जाती है तो वापस तो आती है ना, ठीक है, पैसे जाते हैं तो पैसे आते भी हैं। उसी तरह से बारिश अगर भारत में आया है, मॉनसून की हवाएं भारत में एंट्री की हुई है, तो उनको तो जाना भी पड़ेगा ना बारिश करके। तो अब वो क्या कर रही है, लौट रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लौटता हुआ मॉनसून, ठीक है, या मानसून, लौटता हुआ मॉनसून। तो अब वो लौट रहा है, तो लौटते समय क्या करता है, कौन सी कलाकारी लौटते समय करता है, उसके बारे में हम समझेंगे देखेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ डेट लिखा हुआ है, ये डेट आपको समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला डेट लिखा हुआ है 1 सितंबर 15 अक्टूबर। यहाँ पे 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, 50 बार बता चुका हूँ, सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पे सीधी पड़ती है, IBCZ यहाँ पे स्थापित हो जाता है, IBCZ यहाँ पे आ जाता है, यहाँ की हवाएं बहुत ज्यादा ऊपर उठने लगती है, मानसून की हवा एंट्री मारती है, किस तरह से एंट्री मारती है सारी चीजें मैंने पिछले वीडियो में बता के रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाके वो देख के आइए, फिर आपको यहाँ पे मजा आएगा, ठीक है, बहुत बेहतरीन मजा आने वाला है। तो अब यहाँ पे IBCZ निर्माण हो गया, तो मैंने आपको बता दिया था। तो जब 21 जून का हवा यहाँ पे पहुंचती है, एकदम सूर्य किरणें सन पे पड़ती है कर्क रेखा पे, 22 जून से वहां से चलना भी स्टार्ट कर देती है, यहाँ से 22 जून से चलना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो 21 जून को पढ़ने के बाद अब वो विषुवत रेखा की तरफ बढ़ना स्टार्ट करती है, तो विषुवत रेखा पे वो सितंबर तक टच कर देती है, कभी 22 सितंबर तक टच कर देती है विषुवत रेखा को, तो रिटर्न आ रहा है। तो जब वो रिटर्न आ रहा है तो IBCZ भी क्या होगा, रिटर्न जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जहां भी विषुवत रेखा की, सॉरी, सूर्य की किरण लंबी पड़ती है, वहीं पे IBCZ का निर्माण भी होता है। उसी तरह से यहाँ पे भी IBCZ का निर्माण हुआ, अब वो रिटर्न आ रहा है। तो 1 सितंबर को IBCZ यहाँ पे होता है तुम्हारा ना, यहाँ से हवाएं निकलना स्टार्ट कर देती है, 1 सितंबर को यहाँ से मानसून की हवा निकलना स्टार्ट कर देती है। सबसे लेट पहुंचने वाली यही हवा पे होती है, मानसून की हवाएं सबसे लेट यहाँ पहुंचती है, सबसे जल्दी भी निकलती है, ठीक है। इसलिए सबसे बड़ा रीजन है कि यहाँ पे बारिश नहीं होती है, कम होती है, होती नहीं है तो फिर गलत हो जाएगा, होती है बट कम होती है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हवाएं चलना स्टार्ट कर दी, 1 सितंबर को वहां से निकल जाती है, 15 अक्टूबर तक वो पूरे भारत से निकल जाती है मानसून की हवाएं, पूरा भारत क्लियर हो जाता है मानसून की हवाओं से, ठीक है। तो 15 अक्टूबर तक वो क्या करती है, पूरे भारत को छोड़ देती है, इसलिए मैंने यहाँ पे डेट लिखा हुआ, इम्पोर्टेंट डेट है 1 सितंबर 15 अक्टूबर, ठीक है। जब वो यहां से रिटर्न होती है, ठीक है, जब वो हवाएं 1 सितंबर को यहां से रिटर्न होती है, तो 15 सितंबर को यहां पहुंचती है, हाँ, सितंबर को यहां पहुंचती है, और फिर ऐसे ऐसे करते करते निकल जाती है बाहर। अब यहां से जब वो आती है, ठीक है, तो ये, अच्छा एक मिनट, हम ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे, ये टॉपिक मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हमको पूर्वी तट के बारे में समझना है ना। मैंने तो आपको बता दिया कि यहाँ पे पश्चिमी तट पे 250 ml वर्षा होती है, बहुत जबरदस्त वर्षा होती है यहाँ पे, बट यहाँ पे बारिश नहीं होती है। क्यों, रीजन ये है कि यहाँ पे माउंटेन्स रोक लिए जाते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे माउंटेन्स क्या करते हैं, उनको रोक लेते हैं, इसीलिए वर्षा अंदर नहीं जा पाती है, उनकी हवा जाती भी है तो बहुत कम वर्षा कर पाती है, और वो भी वर्षा यहीं पे करती है, यहाँ पे नहीं करती है,
तो पूर्वी तट पे बारिश कैसे होती है? तो मैंने आपको बताया था पूर्वी तट पे दो तरीके से बारिश होती है, पहले लौटते हुए मानसून से होती है, दूसरा साइक्लोन से। यहाँ पे जो बना हुआ है ना जलेबी, ये साइक्लोन की वजह से यहाँ पे वर्षा होती है। तो ये दो तरीके हमको पढ़ने हैं यहाँ पे। तो पहला तरीका स्टार्ट करते हैं कि लौटते हुए मानसून में कैसे यहाँ पे बारिश होती है। ठीक है, लौटते समय जब वो यहां से इस तरह से लौटता है, ठीक है, तो 15 अक्टूबर 1 नवंबर 15 नवंबर याद रखना, 15 अक्टूबर 1 नवंबर 15 नवंबर एग्जैक्ट डेट नहीं है, एग्जैक्ट कहीं भी नहीं होता है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया एक बारिश हो गई दो, तो आप बोलोगे सर आप तो एक पढ़ाए थे दो कैसे बारिश हो गई, तो ऐसा नहीं होता है, ये अप्रोक्सीमेट होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट मतलब एक दो दिन आगे पीछे, दो तीन दिन आगे पीछे, हमारा क्लाइमेट ही सब दूषित हो चुका है तो कैसे होगा। ठीक है, तो 1 नवंबर 15 नवंबर 15 अक्टूबर को क्या होती है, मजबूत वर्षा करती है यहाँ पे पूर्वी तट पे। ठीक है, पूर्वी तट पे क्या करती है, वो वर्षा करती है। अच्छा क्यों यहाँ पे वर्षा की, वो यहां से यहां तक आने में क्यों नहीं वर्षा की, यहीं पे क्यों वर्षा की पूर्वी तट पे, क्या उसको पता था कि नहीं अभी भारत में हम लोगों ने सब जगह बारिश करा दिया है, अब चलते हैं पूर्वी तट पे बारिश करा के आते हैं, ऐसा था नहीं। उन्होंने 15 अक्टूबर को मतलब इस डेट को यहाँ पे क्यों वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, और अगर आप मैप को ध्यान से देखोगे तो नीचे की तरफ क्या हो रहा है, सकरा हो रहा है, कम होते जा रहा है ना, तो जब वो कम होगा आकार बादल का बढ़ेगा, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे वाटर है, वो नमी चुरा लेती है। इवेपोरेशन का प्रोसेस, क्यों इवेपोरेशन का प्रोसेस, 21 जून से हटा था ITCZ, क्यों हटा ITCZ, क्योंकि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा की तरफ जा रही थी, इसलिए ITCZ भी क्या होगा, चेंज होगा ना, तो ITCZ भी यही कहीं लगभग रहता है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा धूप पड़ती है जिसकी वजह से इवेपोरेशन ज्यादा होता है, और हवा क्या करती है, नमी ले लेती है, और वो नमी कहाँ पे गिरा देती है, जाते समय पूर्वी घाट पे। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा। तो मैंने आपको, हाँ, तो आगे आप क्या लिखेंगे, आगे आप ये लिखेंगे कि पूर्वी घाट पे मानसून की हवाएं दो प्रकार से वर्षा कराती है, कितने प्रकार से, दो प्रकार से वर्षा कराती है, अक्टूबर तक आती है, यहाँ पे क्या होता है, हाँ सॉरी, जब वो लौटती है, जब वो लौटते समय यहाँ पे आती है तो नमियां चुरा लेती है बंगाल से, बंगाल की खाड़ी से क्या करती है, नमी ले लेती है, प्लस यहां से जो हवा बह के आती है, यहां से जो हवा मैंने आपको बताया था अखोर मंडल में वर्षा लोग भी करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हवा जब वो बह के आती रहती है उसी समय इसमें भी ज्यादा नमी नहीं रहती, क्योंकि इस समय ITCZ यहाँ रहता है, यहाँ नहीं रहता है, तो इन दोनों का कंबाइन हो जाता है और बारिश पूर्वी घाट पे हो जाती है। ठीक है, तो पहला कारण। दूसरा कारण, दूसरा कारण ये है वर्षा पूर्वी घाट पे होती है, वो होती है साइक्लोन की वजह से, किसके वजह से होती है, साइक्लोन की वजह से। तो साइक्लोन की वजह से क्यों वर्षा होती है यहाँ पे, क्योंकि यही पूर्वी घाट पे ही साइक्लोन का निर्माण होता है और यहाँ पे मजबूत वर्षा करती है, वो बारिश के जाने के बाद ही यहाँ पे साइक्लोन का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है, आप देखे रहोगे पिछले साल ही साइक्लोन आया था ओडिशा में, तो यहाँ पे साइक्लोन वो भाई बारिश जाने के बाद ही साइक्लोन का निर्माण होता है, ऐसा कंफर्म नहीं है बट ज्यादातर इसी केसेस में होते हैं। ठीक है, हाँ, तो अक्टूबर के महीने, अक्टूबर और नवंबर क्या लिखा हुआ है, अक्टूबर और नवंबर के महीने में ज्यादातर बारिश पूर्वी घाट पे होता है, आपको मैंने यहाँ डेट पे पहले से बता दिया है, अक्टूबर और नवंबर में बारिश होती है। मुंबई में आप रहते रहोगे, उत्तर प्रदेश में आप रहते रहोगे, तो आपको यहाँ पे बारिश देखने को नहीं मिलता रहेगा अक्टूबर नवंबर में, बट पूर्वी घाट लोग के लिए इस समय बारिश होती है, जब हमारे यहाँ पे जाती है वो, हमारे यहाँ से निकल जाती है बारिश, तब देखते हैं अक्टूबर नवंबर में बहुत कम होती है, वो भी किसी किसी साल होती है, हर साल नहीं, तो बट अक्टूबर नवंबर लौटते समय यहाँ पे बारिश करती ही है, क्यों, क्योंकि वो प्रोसेस सेम है, ITCZ यहाँ से यहाँ आया, नमी चुराई, नमी ज्यादा हुई, बारिश कर दी, फिर हवा गई विषुवत रेखा तक। ठीक है, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते ही रहते हैं, मैंने आपको ये भी रीजन बता दिया, और बंगाल की खाड़ी उष्ण कटिबंधीय के कारण चक्रवात उत्पन्न करती है, ये पॉइंट आप समझेंगे और लिखेंगे भी कि उष्ण कटिबंधी मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट हो जाती है और यहाँ पे किसका निर्माण होता है, साइक्लोन का निर्माण होता है, तो उसके वजह से भी पूर्वी तट पे बारिश होती है। तो ये समझ के आपको मानसून की हवा जब रिटर्न होती तो यहाँ पे ओडिशा में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन सब जगहों पे भरपूर वर्षा वो करती है नमी चुरा के, किससे, बंगाल की खाड़ी से। तो ये बात हो गई किसकी, लौटते हुए मानसून की। अब हम बात कर लेते हैं लौटते हुए मानसून से पूर्वी तट पे बारिश हमने देख लिया, अब हम क्या देखेंगे, साइक्लोन के बारे में कि साइक्लोन से वर्षा कैसे होती है, क्या देखेंगे, साइक्लोन से पूर्वी तट पे वर्षा क्यों होती है। देखो हम, अब मैं साइक्लोन आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो जितने क्वेश्चंस मैं अभी बोल रहा हूँ उतने क्वेश्चन तो मैं आपको क्लियर करा के दूंगा। साइक्लोन हमेशा पूर्वी घाट पे क्यों बनते हैं, पश्चिमी घाट पे साइक्लोन देखने को नहीं मिलता है, बहुत कम देखने को मिलते हैं, रेयर चांस हो जाते हैं, बट पूर्वी घाट पे हमको ज्यादा देखने को मिलते हैं। सेकेंड,
ये बनते कैसे हैं साइक्लोन, यही क्यों ऐसे बनते हैं साइक्लोन गोले गोले क्यों बनते हैं ये भी बताऊंगा। थर्ड, साइक्लोन को डिस्ट्रॉय कैसे किया जा सकता है, ये डिस्ट्रॉय कब होते हैं, कभी आप ऐसा सुने रहोगे साइक्लोन बना बना उसने अपने डायरेक्शन को चेंज कर दिया या तो डिस्ट्रॉय हो गया खत्म हो गया, ये भी एक पॉइंट है, क्यों खत्म हो गया कैसे खत्म हो गया, इनको ऊर्जा कहां से मिलती है। चार क्वेश्चन, ये चार क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगा इस साइक्लोन के, जुड़े रहिए आप साइक्लोन से, मैं आपको बताऊंगा कि साइक्लोन के चारों प्रश्न का आंसर क्या है और बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। अगर आपको इसके बाद भी डाउट होता है तो आप समझ रहे हैं क्या करना है फिर, ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, सारी सुविधाएं दी गई हैं, ठीक है। तो हम साइक्लोन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, बारिश यहां से तो निकल गई, यहां पे बारिश करके हो गया मॉनसून लौट चुका। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, साइक्लोन से वर्षा कैसे होती है पूर्वी घाट पर, यहाँ पे पूर्वी घाट पर मजबूत वर्षा साइक्लोन करती है। तो आइए हम साइक्लोन समझ लेते हैं। तो साइक्लोन कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। अब जितनी चीजें मैं बोलूंगा सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपको फटाफट लिखनी है, ठीक है, फटाफट लिखते चले जाइए साइक्लोन के बारे में, ठीक है। तो हम पहले साइक्लोन के बारे में जानेंगे, साइक्लोन की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे, साइक्लोन को डिस्ट्रॉय कैसे किया जा सकता है और साइक्लोन को ऊष्मा कहां से मिलती है, ऐसे चार क्वेश्चन हम देखते जाएंगे, ठीक है। और परिणाम बताने की जरूरत तो है नहीं, आपको इतना तो पता ही है परिणाम क्या होते हैं साइक्लोन के। ये हमारा साइक्लोन है, इसी तरह से साइक्लोन, साइक्लोन मतलब कैसा, जैसे आप गांव में अगर गए होंगे तो गर्मियों में क्या, अगर धूप मतलब अगर धूप ज्यादा कड़क धूप हो तो आप देखते हो हवा कैसे गोला गोला घूमती है, वही है हमारा साइक्लोन, ठीक है। वो तो मिट्टी में साइक्लोन बनती है, अगर वही वाटर का रूप ले ले, पानी का रूप ले ले, तो बहुत भयंकर और बहुत विशाल बन जाती है, ठीक है। तो गर्मी में आप देखते हुए कूड़े करकट जो भी रहते हैं कचड़ा, उसका क्या होता है साइक्लोन बनता है, ऐसा बनता है, नीचे से छोटा गोला रहेगा फिर ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ते हुए चले जाता है, इस तरह का साइक्लोन का निर्माण वहां पे होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये साइक्लोन की आंख है, आई ऑफ साइक्लोन, आंख चक्रवात की आंख, साइक्लोन को हिंदी में चक्रवात बोलते हैं, चक्रवात की आंख। तो ये चक्रवात की आंख है, इसको चक्रवात की आंख क्यों बोला जाता है, क्योंकि यही मेन पॉइंट होता है पूरे इसके साइक्लोन को संभालने के लिए, इस मेन पॉइंट को डिस्ट्रॉय कर दिया तो पूरा का पूरा साइक्लोन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट से ही सारी चीजें उठ के साइक्लोन की तरफ पहुंचती है, कुछ इस तरह से ये मेन पॉइंट है, ये उसकी आंख होती है, और यहां से क्या होती है गरम गरम धाराएं लड़ के आपस में उठती हैं, आपस में क्या होता है उठती हैं धाराएं, ठीक है। और ये ऊपर उठ के इस साइड से मुड़ के यहाँ पे बारिश करना स्टार्ट करती है इस तरह से। तो अभी हम ये नहीं पढ़ रहे, अभी हम समझ रहे हैं साइक्लोन क्या होता है। तो ये आप देखिए आप लोग साइक्लोन की आंख हो गई। अब साइक्लोन को बाहर की जो ये होता है मतलब उसमें, ठीक है, तो उसको एमबी में मापा जाता है, किसमें, एमबी में, ये भी एमबी एमबी सबको एमबी मापा जाता है। और जैसे जैसे हम इस तरफ से उस तरफ जाते हैं वैसे वैसे इसकी लंबाई क्या होती है बढ़ती चली जाती है, यहाँ पे छोटा यहाँ पे और बड़ा यहाँ पे और बड़ा, इसको मापा किसमें जाता है एमबी में मापा जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई साइक्लोन की, आगे आगे समझते जाइए लिखते जाइए। साइक्लोन यह एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, किसके द्वारा कैसे घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब जो क्लॉक के डायरेक्शन में घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब जो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे घुमा, यहाँ पे घुमा, यहाँ पे, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूमता है ये, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। आगे देखिए समझिए, जो चक्रवात की आंख होती है वो आंख जो रहती है वो 25 से 30 किलोमीटर होती है, अप्रोक्सीमेट 25 से 30, ये डिपेंड करता है कि हमारा किस तरह से साइक्लोन है, मतलब बहुत ज्यादा विशाल साइक्लोन भी होता है छोटा साइक्लोन भी होता है, बट अगर मैक्सिमम बात की जाए तो ज्यादातर की जो अंदर की रेंज होती है उसकी आंख होती है 25 से 30 किलोमीटर होती है, कितनी होती है 25 से 30 किलोमीटर। इतनी लंबाई में, इतनी लंबाई में अगर 20-25 किलोमीटर के केंद्र उसकी आंख में अगर मैं ऐसे खड़े रहूं तो मुझे चक्रवात होने का कुछ अनुभव नहीं होगा। इसका रीजन ये है क्योंकि सेंटर पे कोई प्रेशर नहीं बनता है, सबका सब आजू बाजू में होते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि जब गांव में ये साइक्लोन छोटे से धूप में बनते हैं तो आप देख रहे हो सारे कचड़े ऐसे गोल गोल घूमते हैं, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसके केंद्र में जो रहता है वो ज्यादातर स्टेबल रहता है, रुका रहता है, केंद्र ही छोटा रहता है। बट अगर केंद्र बड़ा बने तो आप देखेंगे केंद्र में आप खड़े रहेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, बट अगर वो सरकता भी है, उसकी आंख भी सरकती है, खुद सरक रहा है तो आंख तो सरकेगी ना, तो आप भी सरक रही है वो भी सरक रहा है, तो बीच में अगर आप आ गए तो आप भी घूमने स्टार्ट कर दोगे इस साइक्लोन में, अगर बड़े वाले साइक्लोन में आप आए तो, ठीक है। तो बीच में खड़े हुए व्यक्ति को कुछ भी अनुभव नहीं होता है, क्यों, क्योंकि केंद्र हमारा शांत होता है, सारे हवाएं इस इन दीवारों से टकरा के ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट कर देती है, ऐसे टकराती है और इस तरह से ऊपर उठती है, उनको एक सपोर्टर हो जाता है केंद्र, उनका कौन होता था सपोर्टर हो जाता है, उनको सपोर्ट करता है हवाओं को उठने में और घूमने में, ठीक है। कितना होता है 25 से 30 किलोमीटर, सारी चीज आप लिखेंगे सुनेंगे,
25 से 30 किलोमीटर होता है, और इसकी रेंज की बात की जाए तो 500 से 600, 400 से 300, 300 से 400, 600 से 700 किलोमीटर तक का इनका रेंज होता है। अभी उड़ीसा में जो साइक्लोन आया था, कितना बड़ा था वो साइक्लोन, ठीक है। तो अगर वो एक बार आया तो बहुत बड़ी तबाही करता है, प्लस बारिश भी बहुत मजबूत करता है, हवाएं भी बहुत ज्यादा चलती है, क्योंकि साइक्लोन में बहुत ज्यादा हवाएं एक दूसरे ऐसे घूमते रहती है गोली गोली, ठीक है। तो वो हवाएं भी इनके साथ ही आती है इस जगह पे, और तटों पे टकरा के मजबूत वर्षा करती है, ठीक है, और वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान भी कर देती है वो। तो ये साइक्लोन की बात हो गई, साइक्लोन का इंट्रोडक्शन। इसकी लंबाई 500 से 600 लिख लो, और इसकी 30 से 35, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि हमारा साइक्लोन क्या होता है, बट अप्रोक्सीमेट हम ज्यादातर इसी से रिलेट करके इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अब आप अगला हेडिंग सुनेंगे, लिखेंगे चक्रवात बनने की प्रक्रिया, कब बनती है चक्रवात। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि चक्रवात हमेशा पूर्वी तट पे ही बनती है, यहीं पे बात नहीं हो रही है, कहीं भी अमेरिका में चले जाओ, जापान में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हर जगह भी आप देखोगे पूर्वी तट पे ही चक्रवात बनता है, ठीक है। पूर्वी तट पे चक्रवात बनता है क्योंकि, बिकॉज इसका रीजन ये है क्योंकि पश्चिमी तट पे ठंडी धाराएं बहती है, ठंडी जल धारा, ये मैं आपको बताऊंगा, डरिए मत, ठंडी जल धारा की कहां से आ गई सर, ये ठंडी जल धारा, ठंडी जल धारा बताएंगे आगे चल के, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे जब मैं करंट पढ़ाऊंगा, करंट ओशन पढ़ाऊंगा, ठीक है। इनकी लहरें के बारे में बात करेंगे तो हम देखेंगे कि गर्म धारा और जल ठंडी धारा क्या होती है, बट अभी के लिए आप इसको समझ लीजिए कि पश्चिमी तट पे जल धाराएं हमेशा ठंडी और गर्म होती रहती है, मतलब यहाँ से यहाँ पर अगर ठंडी जल धारा तो इस तरफ आती है, गर्म धारा इस तरह जाती है, फिर यहाँ से ठंडी धारा, मतलब कि रिवोल्यूशन होते रहता है ठंडी और गर्म धारा की, बट ये इस साइड नहीं होता, इस साइड अगर इक्वेटर पे सीधी रोशनी पड़ गई तो साइक्लोन बनना तय है, ठीक है। कैसे, आप सुनते जाइए लिखते जाइए। तो आपने रीजन लिख लिया क्योंकि यहाँ पे पश्चिमी तट पे ठंडी जल धाराओं की धाराएं प्रवाह करती हैं, जिसके वजह से पश्चिमी तट पे साइक्लोन बनने की क्षमता बहुत कम होती है, कम होती है, बट पश्चिमी तट पूर्वी तट पे साइक्लोन तुरंत बनते हैं। किस टेम्परेचर पे, आगे आप सुनेंगे कि सागर सतह का अगर तापमान, जो सागर सतह का तापमान है वो अगर 26 डिग्री से ऊपर चले जाए, 28, 30 डिग्री, 35, 40 डिग्री तक चली जाए, तो बहुत जल्दी वहां पे साइक्लोन का क्रिएट हो जाता है, बहुत जल्दी साइक्लोन क्रिएट होती है, ठीक है। अगर 26 डिग्री, 28, 29, 30 तक जा रहे तो साइक्लोन वहां पे बनना ही तय है। तो ज्यादातर साइक्लोन कहां पे बनते हैं, विषुवत रेखा पे, क्यों, क्योंकि विषुवत रेखा पे अगर सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ रही है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, मैंने आपको बताया था कि जो सागर का पानी होता है बहुत देर में ठंडा, बहुत देर में गर्म होता है, ठीक है, मतलब जल्दी ठंडा भी नहीं होता, जल्दी गर्म भी नहीं होता है, बट लैंड हमारा क्या होता है, जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है, ऐसा। तो विषुवत रेखा पे क्या होती है, अगर टेम्परेचर 26 अबव गया तो साइक्लोन का निर्माण हो जाता है, तो ये भी पॉइंट आप लिख लेंगे, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया कि क्यों पूर्वी तट पे ही बनता है, पश्चिमी तट पे क्यों नहीं बनता है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, इनके बीच की दूरी मैंने बता दिया आपको, ये बता दिया, आंख बता दिया उसकी, और ये सपोर्टर सपोर्ट करते हैं, हम बीच में अगर खड़े हैं तो हमको कोई महसूस नहीं होगा कि साइक्लोन कुछ ऐसा आ रहा है, बट अगर एक दो घंटे और रुकोगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा साइक्लोन आ रहा है, ठीक है। तो अक्टूबर नवंबर में यहाँ पे बरसात क्यों होती है, दो रीजन मैंने बताया, पहला लौटते हुए मानसून से, रिट्रेट आउट मानसून, ठीक है, और दूसरा साइक्लोन से वर्षा होती है। जब साइक्लोन यहाँ पे टकराता है तो मजबूत वर्षा करता है, और ना यही पे बल्कि आगे की तरफ भी वो वर्षा करता है, इस इन जगहों पे भी लगभग थोड़ा बहुत वर्षा पहुंचा देता है, क्योंकि साइक्लोन छोटा तो होता नहीं है, एक दो घर में वर्षा कर दिया बस हो गया, उसका रेंज बहुत बड़ा होता है, कोई 600-700 किलोमीटर लंबा होता है, तो कोई 900 होता है, बस नाम पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप कमेंट करोगे मुझे नाम सर बताइए कौन से कितने होते हैं, तो वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, बट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, पर तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए मैं कर सकता हूँ, आप लोग के इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग मुझे कमेंट करिए, अगर आपको चाहिए तो मैं अगले वीडियो में डाल दूंगा। तो ये बात हो गई साइक्लोन की, आपने साइक्लोन समझ लिया। अब आप ये देख लीजिए, हम इंडिया में रह के साइक्लोन बोलते हैं, हम इंडिया में साइक्लोन बोलते हैं, किसको, इस चक्रवात को साइक्लोन बोला जाता है इंडिया में, बट अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम होता है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड इंडिया, इंडिया में इसको क्या बोला जाता है, साइक्लोन बोला जाता है, बट चाइना में इसको टाइफून बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में इसे बिल्ली बिल्ली बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में इसे बिल्ली बिल्ली मतलब यहाँ का टाइफून का नेम है, जिसे हम साइक्लोन बोलते हैं, कौन सा साइक्लोन है, ये साइक्लोन वो साइक्लोन, उसी तरह से वहां पे बिल्ली बिल्ली बोला जाता है, टाइफून बोला जाता है, इंडिया में साइक्लोन, अमेरिका में हरिकेन बोला जाता है, ठीक है, हरिकेन हरिकेन बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में बिल्ली बिल्ली, चाइना में टाइफून, इंडिया में साइक्लोन, ऐसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, और ये सारे के सारे सब पूर्वी तट पे ही क्रिएट होते हैं।
कब क्रिएट होते हैं, जब उनका टेम्परेचर 26 डिग्री से अबव जाता है तो। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, निर्माण होने की। ठीक है, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा पे मैंने बोला कि साइक्लोन क्रिएट होता है, बट विषुवत रेखा के 0 डिग्री एग्जैक्ट पे नहीं क्रिएट होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहां पे कोरिओलिस फोर्स जो होता है वो एकदम जीरो होता है। कोरिओलिस फोर्स क्या होता है, एकदम जीरो होता है। बट विषुवत रेखा के 10 डिग्री ऊपर, 12 डिग्री सेल्सियस और सॉरी डिग्री 12 डिग्री नीचे और ऊपर दोनों तरफ पे क्या होता है, साइक्लोन का निर्माण होता है 10 to 12 लिख लो। ठीक है, ये 10, 12 इसके बीच में क्या होता है, साइक्लोन का निर्माण होता है, क्योंकि कोरिओलिस फोर्स यहाँ पे थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कोरिओलिस फोर्स कहाँ पे होता है, ध्रुवों पे होता है, साउथ और नॉर्थ के ध्रुव पे होता है। ठीक है, बट वहां पे नहीं क्रिएट होता, क्यों, क्योंकि वहां पे ठंडी जल धारा होती है ना, हमारा साउथ क्या है एकदम बर्फ से घिरा हुआ है, नॉर्थ भी क्या है बर्फ से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से वहां पे साइक्लोन का निर्माण नहीं होता है। बट विषुवत रेखा पे 0 डिग्री पे कोरिओलिस फोर्स एकदम जीरो होता है, इसलिए वहां पे निर्माण नहीं होता है। बट 10 डिग्री 12 डिग्री पे और 10 डिग्री 12 डिग्री पे नीचे की तरफ क्रिएट होता है हमारा साइक्लोन। ठीक है, 10 से 12 डिग्री पे। ठीक है, तो ये हो गई बात किसकी, निर्माण की। चक्रवात को ऊष्मा कहां से मिलता है, चक्रवात को ऊष्मा, अब आपने इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब हमारा जो हमारा ITZ है सन की रे जहां सीधी पड़ती है पानी पे, अगर वो 26 डिग्री अब हो गया तो वहां पे साइक्लोन का निर्माण होता है। इसका मतलब वहां पे इवेपोरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, जिसकी वजह से उस इवेपोरेशन की वजह से ही इस चक्रवात को क्या मिल रही है, उष्मा मिल रही है। ठीक है, उष्मा मिलने की वजह से ये चक्रवात अपने आप को और ज्यादा स्ट्रांग कर रहा है, जितनी ज्यादा उसमें मिलेगी उतनी ज्यादा अपने आप को स्ट्रांग करेगा और उतना बड़ा साइक्लोन वो क्रिएट करता ही चले जाएगा। ठीक है, ऐसा तो अगर हम किसी तरह से इसके इवेपोरेशन को बंद कर दें तो ये साइक्लोन डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो साइक्लोन का उष्मा कैसे मिलती है, ये आपको समझ गया, आप डिस्ट्रॉय कैसे होते हैं। साइक्लोन का निर्माण गर्म धाराओं से होती है और साइक्लोन का डिस्ट्रॉय मतलब ये खत्म विनाश ठंडी जल धाराओं से होती है। समझ गया, हाँ, तो साइक्लोन का निर्माण किससे होता है, गर्म धाराओं से होता है और साइक्लोन का डिस्ट्रॉय मतलब विनाश ठंडी जल धाराओं से होता है। ठंडी जल धारा कौन सी होती है, यहाँ पे अगर ये साइक्लोन पूर्वी तरफ से घूमता हुआ अगर इस डायरेक्शन में आया तो यहाँ पे तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाएगा वो, उसकी खासियत है यहाँ पे, क्योंकि ठंडी जल धारा प्रवाह करती है जिसकी वजह से साइक्लोन को उष्मा ही नहीं मिलेगी और जब उष्मा ही नहीं मिलेगी तो उसका जो लेवल है वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, धीरे 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 साइक्लोन कम होकर डिस्ट्रॉय खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसको ठंडी जल धारा मिल गई और ठंडी जल धारा में वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, क्यों, क्योंकि उसको उष्मा ही नहीं मिल रही, हम खाना नहीं खाएंगे तो हम चलेंगे नहीं, ऐसा तो इसीलिए उसको भी भोजन नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, उसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये बात हो गई किसकी, साइक्लोन की डिस्ट्रॉय की, तो साइक्लोन खत्म कैसे होता है, डिस्ट्रॉय कैसे होता है। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई किसकी, पूर्वी तट पे वर्षा की, कि पूर्वी तट पे कहां कहां दो टाइप से वर्षा होती है, मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से इस डायरेक्शन में वर्षा होती है और साइक्लोन से वर्षा होती है, लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है और साइक्लोन से वर्षा कैसे होती है। ठीक है, आपको ये सारी चीजें जो मैं बताता हूँ ये बहुत एक्चुअल फैक्ट्स होते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं ये सब। ठीक है, किताबें में बहुत कुछ लिखा रहता है तो उन सब पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, बट जो जो चीजें मैं बताता हूँ अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको लिख लीजिए, सुनने से काम नहीं चलेगा, सुनने से तो सुनोगे आप समझेगा, परसों मैं ये चीजें पूछूंगा तो बोलोगे सर कब पढ़ाए थे। ठीक है, तो ऐसा होता है, तो इसके लिए आप इसको क्या करिए, लिख लीजिए तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। ठीक है, और एक चीज, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए मुझे, कमेंट करिए, लाइक मत कीजिए बट कमेंट जरूर करिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी प्रश्न आपके मन में अधूरा छूटे, क्योंकि मैं पूरी सेटिस्फेक्शन से पढ़ाता हूँ, कि मैं सेटिस्फाई हो गया तो ठीक है, बट आप लोग में भी कोई ऐसे टैलेंटेड बच्चे होते हैं जिनको कुछ डाउट आ गया, ठीक है, या मैंने सही से नहीं बताया सर आप फिर से बता दीजिए, तो आप बेझिझक कमेंट करिए, मैं तुरंत उसको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अगला टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा ना करूं बट आपके कमेंट्स को क्लियर जरूर करूंगा। ठीक है, तो आप मुझसे जुड़ने के लिए क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आप मुझसे जुड़ जाएंगे और फिर जो भी मैं चीजें करूंगा आप तक तुरंत पहुंच जाएगी वो। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गई रिट्रेट ऑफ द मॉनसून एंड साइक्लोन इन इंडिया, साइक्लोन के निर्माण से पूर्वी तट पर वर्षा कैसे होती है और लौटते हुए मॉनसून से कैसे वर्षा होती है, इन दोनों टॉपिक को हमने अच्छे से देखा। कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करिए। इसके बाद का जो वीडियो होगा वो हमारा होगा वृष्टि छाया प्रदेश मतलब जहाँ पे वर्षा नहीं होती है, तो वो कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ पे वर्षा नहीं होती है, हमने क्या देखा, ठंडी में वर्षा देखा,
किस तरह से वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिमी हवाओं से किस तरह से मानसून किस तरह से वर्षा होती है, इस साइड से बंगाल की शाखाओं से किस तरह से वर्षा होती है, अरब सागर की शाखाओं से ग्रीष्म ऋतु में किस तरह से वर्षा होती है, इन हवाओं से उत्तर पूर्वी हवाओं से किस तरह से वर्षा होती है भारत के अंदर, बहुत बेहतरीन तरीके से बताया हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज इसे दो बार देखिए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, तुरंत नहीं आएंगी, बस एक दो बार आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी वो चीजें, ठीक है। उसके बाद भी नहीं समझता तो प्लीज बेझिझक कमेंट करिए, आपको जैसे डाउट हो वैसे कमेंट करिए, छोटा हो या बड़ा डाउट, तो डाउट होता है तो आप बिल्कुल कमेंट करिए, ठीक है। तब अब मुझे लग रहा है कि अब मानसून खत्म हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद एक ही टॉपिक बचा है, वृष्टि छाया प्रदेश। ये जैसे मैं वृष्टि छाया प्रदेश कवर करूंगा आप समझ लीजिए कि आपका मानसून कवर हो गया। अब इसके बाद अब आप अगर बोलेंगे तो मैं ज्योग्राफी आगे कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो मैं कोई दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करता हूँ, या हिस्ट्री या तो पॉलिटी, ठीक है, दोनों में से कोई मैं सोच रहा हूँ एक और स्टार्ट कर दिया जाए, क्योंकि अगर मैं सब साथ में लेके चलूंगा तो थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा, बट काम स्लो होगा बट अच्छा होगा, ठीक है। आप लोग भी एक ही सब्जेक्ट पढ़ पढ़ के बोर हो जाते रहोगे, ठीक है। तो मैं कोई दूसरा सब्जेक्ट भी और स्टार्ट करता हूँ जिसको हिस्ट्री है। हिस्ट्री में मैं पहले मॉडर्न स्टार्ट करूंगा, मॉडर्न को खत्म होने में 1-1.5 महीने लग जाएंगे, 2 महीने तक वो खत्म होगा, फिर मैं मेडिवल पे आऊंगा, फिर एशियन पे चलेंगे। तो इस तरह से हम साइकिल बना के चलेंगे। अगर आपको मेरे पढ़ाने के तरीके में थोड़ा सा भी कमियां दिखती है तो तुरंत कमेंट करिए, मुझे बताइए कि कहाँ कमी हो रही है, मुझे यहाँ सर नहीं समझ में आ रहा है, या मैं ज्यादा फास्ट बोलता हूँ, या मैं चीजों को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो आप बेझिझक कमेंट करिए। वैसे तो मैं करता तो हूँ अच्छा एक्सप्लेन, बट आप फिर भी कमेंट मुझे कर सकते हो अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो, ठीक है। चलिए तो ये टॉपिक खत्म हो गया। अगर आपको ये चाहिए कि कितना होता है एमबी, तो मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, 1917 MB, ठीक है, 930, 910, 840, ऐसे कम कम होते जाते रहते हैं। एक चीज आप इम्पोर्टेंट याद रखना है कि जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे एमबी का जो भार है वो बढ़ते ही चले जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेके, वृष्टि छाया प्रदेश की, वहां पे किस किन जगहों पे बारिश इंडिया में नहीं होती है और उनके सूखे रहने का कारण क्या है, ठीक है। नमस्कार।